सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से आज मैं आपको पाठ 5 वचन पढ़ाऊँगी। पाठ 5 वचन, इसलिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 25 यानी 25 खोलिए। पाठ 5 वचन। तोता डाली पर बैठा है। तोते डाली पर बैठे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, इस चित्र में एक तोता है तो वाक्य क्या बना हुआ है? तोता डाली पर बैठा है। और इस चित्र में दो तोते हैं अर्थात एक से अधिक तोते हैं, इसलिए वाक्य क्या लिखा हुआ है? तोते डाली पर बैठे हैं। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, एक लड़का एक पुस्तक है तो वाक्य क्या बना हुआ है? लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। और दूसरे चित्र में देखिए, एक से अधिक पुस्तक है और एक से अधिक लड़के हैं तो क्या वाक्य बना हुआ है? लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। उपर्युक्त चित्रों में तोता और लड़का एक संख्या का बोध करा रहे हैं, जबकि तोते, लड़के तथा पुस्तकें एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। इन्हें ही वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ नंबर। जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे गेंद, गेंदे। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, एक बत्तख है। ठीक है, यहाँ एक झूला है, एक मूर्ति है और एक बस है, तो ये सभी क्या हो गए? एक वचन में आ गए। ठीक है, दूसरा बहुवचन प्लूरल। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा बत्तख है तो क्या लिखा हुआ है? बत्तखें। एक से ज़्यादा झूले हैं, झूला है तो झूले। एक से ज़्यादा मूर्ति है तो मूर्तियाँ। एक से ज़्यादा बस है तो बसें। इस प्रकार बत्तखें, झूले, मूर्तियाँ, बसें, ये बहुवचन हो गए। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द इस प्रकार हैं। शीशा, शीशे, ताला, ताले, पर्दा, पर्दे, सेना, सेनाएं, छाता, छाते, कली, कलियां, भाषा, भाषाएं, परी, परियां, हवा, हवाएं, सभा, सभाएं, टोपी, टोपियां, बच्चा, बच्चे, कीड़ा, कीड़े, चश्मा, चश्मे, लड़की, लड़कियां, माता, माताएं, मिठाई, मिठाइयां, कहानी, कहानियां, बूंद, बूंदे, कथा, कथाएं। ठीक है बच्चों? बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये चार वाक्य दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे
तोता डाली पर बैठा है। तोते डाली पर बैठे हैं। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तोता डाली पर बैठा है, तो यहाँ पर तोता के एक संख्या का बोध हो रहा है, और यहाँ तोते डाली पर बैठे हैं तो एक से अधिक तोते हैं, ठीक है। एक लड़का है, यहाँ पुस्तक, तो इससे क्या बोध हो रहा है कि एक पुस्तक है, और लड़के और पुस्तकें ये क्या बोध करा रहे हैं कि एक से अधिक लड़का है और एक से अधिक पुस्तकें हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे आप लोग, एक वचन, यहाँ पे तोता लिखा है तो ये क्या है, एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो बहुवचन कहते हैं, तो ये बहुवचन है। पूरा वाक्य पहले देखिए ध्यान से, तोता डाली पर बैठा है तो एक वचन है यहाँ पे, और एक वचन के लिए है का प्रयोग होता है, ठीक है। तोते डाली पर बैठे हैं, यहाँ एक से अधिक संख्या है तोते की तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन के लिए हैं, हमें ए की मात्रा और अंक की बिंदी, ठीक है, इसका प्रयोग होगा हमेशा एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए हैं। इसके बाद लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ एक वचन का बोध हो रहा है इसलिए है, और लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर हैं का प्रयोग किया गया है। समझ में आया बच्चों? अभी तक मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से वचन पाठ 5 वचन जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, जितना भी आपको पढ़ाया है वो सभी एक बार उच्चारण सहित पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।